तुमने से उस वक्त एक भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, हमारे मन के झंडे को बुलंद किया जाए जिसके नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर सब वादा करे और सदोत मार्ग करे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये दिल सीता हमारा। चुगली हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर, जलन हमारे अंदर, अदावत हमारे अंदर, आज कुर्बा गावे कहा जाता है कि सारे लोग एक प्लेट फार्म से आ जाए। होगा हर एक जगह अपनी दुकान अलग लगाए, तुम्हारे नबी के नाम उसकी हिफाजत कहा गया है और मुसलमान इतना खाबे गफलत में पड़ा है कि उसे कोई फिकर नहीं है, बस ये किया जाए कि दौलत कमाई जाए। कायनात को बता दो इस्लाम अमन शांति का पैगाम देता है, जिसे हम मानने वाले हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन है। हिंदुस्तान चमन है चमन, हिंदुस्तान गुलिस्तान है गुलिस्तान, हिंदुस्तान बाग है बाग, ये हरीफा ने चमन के तलख नारे मुस्तैरा हद। This video present by Mannur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road, Gulbarga. غالب سنائے خواجبان یزدان گزاشتے غالب سنائے خواجبان یزدان گزاشتے کہاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است कहां जाते पाके मर्तबा दाना जाते मोहम्मद आस रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, दिलों में आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोजो हज्जो जकात ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। और मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के हालात के पेश नजर सने बदार सही सने बताल सही दस्त को हो साल सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानी सार चले, सुनी जो बांगे जरस तो खत्म जाबा जसा, कफन बदोश असीरान जुल्फे यार चले। और मौका ऐसा है समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, हंसाए तो बगावत है रुलाए तो बगावत है। हरीफा ने चमन के क्या हुआ, ये हरीफा ने चमन के, हिंदुस्तान चमन है चमन, हिंदुस्तान गुलिस्तान है गुलिस्तान, हिंदुस्तान बाग है बाग, ये हरीफा ने चमन के तलख नारे मुस्तैराहत कड़वे नारे लगा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं, हमले किए जा रहे कोई पाबंदी नहीं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसीलिए अल्लाह हाफ़िज़ वतन कुराने बलागत निजाम ने रिशाद फरमा रहे फुलू फिसिल मिकाफ बा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज मुसलमानों की बेबसियां है कि मुसलमान शरीयत के ताबे होने के बजाय तबीयत का ताबेदार बन गया, मस्जिदें मौसिया खाने के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे और साहिबे जादी न रहे,
सोचो, वक्त सोच का आ गया, वक्त गौर व फिक्र का आ गया है, वक्त तुम्हारे तशक्कुस को बचाने का आ गया है, तुम्हारे अकीदों की हिफाजत का आ गया है, तुम्हारे कलाम के तहफ्फुज़ का आ गया है, तुम्हारे नबी के नामुस की हिफाजत का आ गया है। और मुसलमान इतना खाबे गफलत में पड़ा है कि उसे कोई फिक्र नहीं है, बस ये किया जाए कि दौलत कमाई जाए। और हर जगह मैं नजर आऊ शहरत दौलत ये दो के पीछे आज मुसलमान पड़ गया। बताओ, दीन का मामला था, इस्लाम का मामला था, कुरान का मामला था, शरीयत का मामला था, और हमारे नबी की इज्जत का मामला था। पूरा गुलबर्गा उमड़ कर आना चाहिए था। हमको मालूम है अरे अरबाब इख्तदार, ये बड़े बड़े हैवानों ने आराम करने वालों, एयर कंडीशन गाड़ियों में फिरने वालों, हमको सबक मत पढ़ाना, हमको दर्श मत देना, हमको मत समझाना कि क्या किया जाए। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किसी के बाप दादा ने हिंदुस्तान नहीं बनाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान बनाया। और कायनात का पहला बच्चा, कायनात का पहला इंसान, कायनात का पहला नबी हजरत आदम ने हमारी ही धरती पर कदम रखकर इसे इज्जत अता किया है। हमसे कह रहे हैं जब गुलिस्तान को पूंजी जरूरत पड़ी, हैदर पाशा साहब, जब गुलिस्तान को सब देना, तन के बोरे मन के कांधे उठाओ, 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया का डेट हमारी शहादतों का जामिन है, शाहिद है। दिल्ली का जो डेट है इंडिया गेट, उस पर 65% अफराद मुसलमानों के नाम लिखे हुए। जब गुलिस्तान को उनकी जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। तुम कहां थे? तुम तो मोहब्बत से लेटर दे रहे थे, खता दे रहे थे, माफी नाले दे रहे थे, और हम सदे को दार सही, दस्ते को सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानसार चले। हमारे उलमा, हमारे असनाफ, हमारे बुजुर्ग दार पर चढ़कर सदे को बोसा देते हुए इस मातरे वतन पर कुर्बान हो रहे थे। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। सोचो कैसा दौर आया है, और ये सब हो रहा है हमारी कोताहियों की वजह से। क्योंकि हमारा हाथ बिरयानी पे जरूर है, नजर हमारी कमजोर हो गई है, हमारी चापलूसी मिजाज आ गया है। सिर्फ हम फेसबुक व्हाट्सएप की सीनत बने हुए हैं। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है? घर वापसी अभियान चला, देखते अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। एक इधर का इधर आया और अल्लाह ने उसे दुनिया ही में दोजख का पता बता दिया। वो जलील रजवी, मैं तो वसीम नहीं कहूंगा, क्या नहीं किया। आज यही मुस्लिम चौक पे, ये या अबुल कलाम चौक पर
कोई उसके बाप को गाली दे आस्तीन चढ़ा दे। सोचो हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। एक बार कहते जगे और मुसलमानों सोचो दीमत हमारे अंदर, कानापूसी हमारे अंदर, चौधरी हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर, जलन हमारे अंदर, अदावत हमारे अंदर। आज गुलबर्गा में कहा जाता है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, काम हो गए, हर एक जगह अपनी दुकान अलग लगाए। गैरों को मौका यही तो दे रहे हैं तुम, झाड़ू के पूरे कारिया मिलकर मजबूती के साथ रहे तो घर का कचरा बाहर चला जाता है, और झाड़ू की हर कारी अलग अलग हो जाए तो कोई भी वो कारी को तोड़ कर कचरा बना देता है। आज देखो सब कह रहे ये प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, हमें इत्तेहाद होना चाहिए, हमें बाहर कहा है कयादत मफूज है, कयादत का फुकदान है। आज अगयारों के मुंह में जबान आ गई, किताबें लिखी गई नबी के खिलाफ, जहर उगला गया। ये जलसा रखने का मकसद बहुत पुराना है, मगर आज वक्त आया जो हैदराबाद का एक गेंडा बकवास कर दिया, उसका नाम भी लेना गवारा नहीं है, न सूरत का न शक्ल का, अल्लाह जाने किसके धक्के का हो। इसलिए उलमा बैठे हैं उनसे पूछिएगा, नबी की शान में बेअदबी गुस्ताखी वही करता है जिसके नुस्खे में फर्क है। हाँ मैं नहीं कह रहा, पूछिए उलमा से। सूरह नून वल कलम की आयत है, बनी वो हराम ज्यादा है जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है। तलाश करो आज तो रिसर्च स्कॉलर बहुत है ना, इस पर भी जरा तहकीक करो कि काम कर गुस्ताखी किया और उसका कहां असर है। ये ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, खुराफात को हटाओ, बेहयाइयों को हटाओ, बुराइयों को हटाओ, हसद को हटाओ, जलन को हटाओ, कीने कपट को हटाओ, शहीन चाहे मुगल आजाद, शहीन चाहे हल्के पिया, मत बनना। न छेड़ आग लगा दूंगा आशियानों को, मुझे वक्त कम दिया गया है और हमेशा मुझे कम दिया जाता है। मालूम है कि वकार अशरफी मुंह में चॉकलेट नहीं बल्कि शेरवानी की गुंडी रख लेके आता है। नछे आग लगा दूंगा आशियाने को, नमन तन्हा दरी मैखाने रफ्तार जुनादो शिकलियो और तार खुदमा बबुए पाक शमसो दीन तबरे से बुल्ला पर सारे बाजार खुदमा। आज आइमा हजरात को, आज खुतबा को, आज आइमामों को, आज खतीबों को, आज मुखदरीन को, आज उलमा को, आज मशायखीन को, आज अहले खानवाते को आपके नामों से रिसालत के लिए तैयार होना है। खानखानों से, मदारिस से, मस्जिदों के मिंबर से मेरे नबी का किरदार बताया जाए, मेरे नबी के अखलाक बताए जाए, मेरे नबी का मर्तबा बताया जाए। आपको मालूम है ना मक्का फतह हुआ, मक्का वालों ने कितना सताया था, कितना रुलाया था, कितनी गालियां दी थी, क्या क्या किया था, और सोशियल बायकॉट भी किया, सामाजिक बायकॉट। शाबे अबी तालिब में सरकार मदीना रहे दिन गुजरे, जब मुस्तफा मक्के में आए, तवज्जो, जब मुस्तफा मक्के में आए तो मक्का दहन नहीं हुआ, मक्का दहन नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों को माफ करके पैगाम दिया, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसे भी अमान, जो काबे के गिलास में छुप जाए उसे भी अमान है, जो हाथ से हथियार छोड़ दे उसे भी अमान है।
इसीलिए दोस्तों मुस्लिम बना है सलामती से, मोमिन बना है अमन से, और दोनों हमारे पास है, हमारे नबी ने दिया। जो इस्लाम कबूल किया वो मुस्लिम है, जो ईमान कबूल किया वो मोमिन है। इसीलिए आखाए करीम ने कहा ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकूना हत्ता इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त एक भी मोमिन नहीं हो सकता तब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। यह है ईमान। नकुल शर्मा बोल दी और एक अंकल बोल दिया, क्या करे साहब, क्या करे। जो हो रहा है उनके मुताबिक टीवियों में डिबेट नहीं होता। आज किसने लगाई शोषा, किसने छोड़ा आपको हवा, किसने दी एक्शन, कौन किया जिसका ये रिएक्शन है, रिएक्शन पर डिबेट हो रही। ऐसे नारे लगे, ऐसा लगना था क्या, ऐसा होना था क्या। कहिए उनके मुताबिक एक्शन लो जिन्होंने आग लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ गवाह है, 1450 बरस की आज तक मुसलमान ने किसी और मजहबी पेशवा की बेअदबी नहीं किया है। हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी और मजहबी रहनुमा की बेअदबी की जाए। हमारा इस्लाम सलामती वाला मजहब है, सलामती वाला, अमन वाला, भाईचारे चारगी वाला, इत्तेहाद वाला, इत्तेफाक वाला, मोहब्बत वाला। आज नफरतों का बीज कौन जो बो रहा है उसकी जड़ों को काटा जाए। मैं अरबाब इख्तदार से जो बैचलर हिंदुस्तान के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, जिनको जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम, बीवी बच्चे क्या होते हैं, रोटी रोजी क्या होती है, कमाई क्या होती है, जिसको मालूम नहीं है उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ ये गुलिस्तान है हिंदुस्तान। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या गंगा जमनी तहजीब है, अमनो अमान का गहवाला है। इसे बिगाड़ कर अपनी सियासत की कुर्सी को गर्म न किया जाए, इख्तदार हासिल न किया जाए, मिजाज को बिगाड़ा न जाए, आप और मजहबी मुनाफरा मजहबी दुश्मनी को हवा न दी जाए, हमारे मन के झंडे को बुलंद किया जाए जिसके नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब वाला ठहरे और सलूट मार के कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा है। आज सोचो ये गुलबागा के तबीयत मुसलमान उठो, अपने अंदर मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ, मुस्तफा की सीरत को लाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेअख्तियार अपनी। हमने नबी के तरीकों को छोड़ दिया। हम बड़ी बड़ी बातें करते, बड़े बड़े इजलास करते, मोटे मोटे खिताबात, मगर नबी की सुन्नत मेरे आखा का फरमान है अगर तेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ हुस्ने सुलूक कर, अच्छे अखलाक का मुजाहिरा कर। ये हमारे नबी का पैगाम है। आज हमारे पास भाया भाया में, बाप बेटे में, सास बहू में है, देखो ये मुबारकबाद दूंगा रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी को के पूरे मसलक के कुल जमात, पूरे मसलक के मजहबी रहनुमाओं को, उलमा को बुला जा। देखो ये मसलकी मामला हमारे अंदर का है, ये खयामत का खत्म नहीं होता, कानून खत्म होता समझेगा। इसीलिए मसलक की बुनियाद पर तुम मुत्तहिद मत होना। अल्लामा रशीद साहब कृपया तवज्जो जुमले पर, मसलक की बुनियाद पर
मुजाहिद मत रहो, सबको अपना अपना मसला क्या रहा है रहो, मगर मसाइल की बुनियाद पर मुजाहिद हो जाओ। मसाइल की बुनियाद पर आज मसाइल आ रहे हैं, आज एक नए नए मामला हो रहे हैं, इसकी बुनियाद पर सब मुजाहिद हो जाओ। जवाब अदम जवाब का मसला अंदर देखेंगे, अंदर बाहर नहीं, अंदर देखेंगे। हर इसमें जितना दम देखा जाए वो अंदर की बात है, मगर बाहर अहले हदीस तबलीगी जमात जमात इस्लामी शिया राफिजी सुन्नी सब मुत्तहिद मसाइल की दुनिया, क्योंकि हम हमारे मुल्क को तरक्की देना है, गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखना है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और सबसे ज्यादा मैं पूरी माजरत के साथ हाथ जोड़ कर कहता हूँ, बाहर के स्टेट में ऐसे कारनामे हो रहे हैं, ऐसी बकवासें हो रही हैं। अभी हमारा गुलबर्गा है, पहला गिरा दूसरा होशियार, यहाँ अगर कुछ हो गया तो तुमको संभालने वाला कौन, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तुमको संभालने वाला कौन, आगे बढ़कर आने वाला कौन, बात और लेने वाला कौन। अरे मीठा खाना सुन्नत आगे बढ़े, दाढ़ी रखना सुन्नत पीछे हटे। सोचो गौर करो, अपने अंदर एक चिन्ह पैदा करो, हमीयत पैदा करो, चचा खौफ पैदा करो, कायनात को बता दो इस्लाम अमन शांति का पैगाम देता है, जिसके हम मानने वाले हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाना कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे, अपने सफर में इतिहास पैदा करो, मुल्क के हालात को समझो, और सब कंधे से कंधा लगाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने परचम को मुल्क के विकास को बुलंद करो, ये मजहबी नफरतों का खात्मा करो। वमा अलैना इल्ला।